वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर, डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। टुडे वी सॉ सम गुड रिजेक्शन फ्रॉम हायर लेवल्स, तो उसकी बात करते हैं कि कैसे निफ्टी गया था 16400 के ऑलमोस्ट पास में एंड देन नीचे आ गया है एंड 16240 पे क्लोज किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट इट इज डाउन बाय 20 पॉइंट्स, सो बहुत फ्लैट सा किसी को लगेगा कि ईओडी बेसिस पे तो एकदम फ्लैट ही था, बट दैट वॉज नॉट द केस। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट जो फ्लैटनेस थी आज की वो अलग रूप में थी, और उसकी बात हम लोग कुछ देर में करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द चार्ट्स। हियर वी कैन सी विक्स इज डाउन बाय 2% एंड आई थिंक लार्जली ये इसलिए है क्योंकि अगेन हम लोग ने देखा कि इट वॉज अ गैप अप ओपन, और जब गैप अप ओपन होता है आई फील विक्स का बायस इटसेल्फ थोड़ा सा डाउन साइड पे आ जाता है, और उसी के कारण से हम लोग ने देखा कि यू नो थोड़ा सा विक्स डाउन है डिस्पाइट द मार्केट बीइंग रेड। वी स्पोकन अबाउट दिस बिफोर एज वेल। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करते हैं देन इफ आई जस्ट शो यू मिक्स्ड बैग जैसा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं PSU बैंक्स ने जरा भी अच्छा नहीं किया एंड एज अ रिजल्ट बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे है। निफ्टी इज डाउन बाय हाउ मच, निफ्टी इज डाउन बाय 0.12, बैंक निफ्टी इज डाउन बाय 0.4 लार्जली थैंक्स टू PSU बैंक्स। हम लोग देख सकते हैं IT ने भी कुछ खास किया नहीं है एंड द टॉप परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एक्चुअली इज FMCG, सो उसकी भी बात करते हैं हम लोग कुछ देर में। We can see here Tata Consumer and Hindustan Unilever are the best stocks, top stocks for today. Dono FMCG hai, so it really checks out ki FMCG sector ne kaise achha kiya hai. And we can see a couple of other stocks, for example, cement stocks yahan par Adani port hai and so on. Losers mein agar dekhte hain, we can see Power Grid is here, top loser. BPCL hai, I believe BPCL ka to wo jo uska divestment aur sab ka jo chal raha hai scene, uske upar hi rahega sab. Because I feel that it is largely sentiment/news driven, possibly at least at this stage. Tata Motors थोड़ा सा नीचे आया है, again we discussed कौन से level पर है Tata Motors और क्यों नीचे आया है। अगर आपको जानना है then you can check out yesterday's video जहाँ पर हम लोग ने देख लिया था कि Tata Motors के साथ क्या हो रहा है। And while you're at it, UR के reels क्या shorts भी देख लो। Will Nifty sustain today's bullish momentum, डाला था उन्होंने yesterday and I think we have the answer today. Answer hai, but wo answer unhe kyu mila tha kal wo janne ke liye I think you can check out the shorts. So wo hai. Now coming back to the charts, chart agar hum log dekhte hain, we can see here 16400 se resistance liya and this is not the first time usne resistance yahan se liya hai. So I'll just hide the moving averages aur hum log yahan pe dekh sakte hain that yahan pe do highs pehle already ban chuke the on 9th mein and on 10th mein, और वही लेवल सेम 18th में को भी सेम लेवल से हम लोग ने रेजिस्टेंस देखा है। RSI 40 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, जनरली आई वुड से दैट्स नॉट अ बैड थिंग क्योंकि दैट मींस कि प्रोबेबली थोड़ा सा अच्छा हम लोग बाइंग देखेंगे वहां से, बट लेट्स सी ये कॉन्टेक्स्ट में कैसा चलता है, वी नेवर नो। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 5 मिनट चार्ट पे तो वी कैन सी दिस एरिया हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन द पास्ट एंड इट्स होल्डिंग द सेम लेवल स्टिल। 400 से लेके 470 के आसपास का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे मूवमेंट्स, यहाँ पे ओपन हुआ रियली टेस्टेड दैट प्रीवियस कैंडल्स क्लोज हियर और उसके बाद ऊपर जाके 400 से नीचे आ गया एंड दिस जो अराउंड 10 बजे उसने जो हाई बनाया था उसके बाद कभी भी वो आसपास भी नहीं आया उसके। इनफैक्ट द क्लोजेस्ट लेवल इट केम टू आफ्टर दैट वॉज अराउंड 30-40 पॉइंट्स अवे एंड देन हम लोग देख रहे थे यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ सा हो गया। एंड सेल ऑफ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस रेंज हियर फ्रॉम लेट्स से अराउंड हियर टू हियर वॉज अराउंड 105 पॉइंट्स और वही सेम रेंज उसने इनफैक्ट उससे ज़्यादा रेंज उसने यू नो अराउंड नून सेशन के स्टार्ट में ही कर दी थी एंड देन इट वेंट अप अगेन सेम लेवल से रेजिस्टेंस ले लिया। सो एज ऑफ नाउ पॉसिबली यहाँ पे अराउंड 350 के आसपास मे बी देर आर स्ट्रॉन्ग सेलर्स देर जिन्होंने सेल किया है बिकॉज सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग भी यहीं से स्टार्ट हुआ था and we saw that same buying happening from around 230 or so. So 230, 16230 se leke 16350 ka maybe there is a range there in that level. Lower end of the range, today's range ke jo lower end mein hai wahan pe close hua hai, which means that possibly not having that much of momentum. Aur agar ye wala zone break hota hai, let's say 16220, 200 break hota hai, mere hisab se maybe it can come down closer to 160 or so. That is also an important level and then maybe towards the 100 retest. Bearish view yahan pe, matlab main bearish level de raha hu, aisa nahi bol raha view bearish hai, I'm just saying the level seems bearish.
इनफैक्ट अगर हम लोग इसी चीज को बुलिश नजरिए से देखते हैं, देन वी कैन सी दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ बुलिश फ्लैग बीइंग फॉर्म्ड। यहाँ पे हम लोग फ्लैग पोल देख रहे हैं, ये फ्लैग है, और जैसे ही पॉसिबली ये लेवल ब्रेकआउट होगा यहाँ से, देन वी मे सी अ मूवमेंट दैट इज सिमिलर टू दिस। सो फ्लैग का एक वन ऑफ द रूल्स क्या है, फ्रॉम हियर टू हियर इफ वी कैलकुलेट आइदर हियर और हियर डिपेंडिंग ऑन हाउ कंजर्वेटिव यू वॉन्ट टू बी, हम लोग यहाँ पे डालते हैं 4% 600 पॉइंट्स का मूवमेंट। द फ्लैग रूल सेज दैट एक बार ये ब्रेकआउट होता है वी कैन एक्सपेक्ट दैट सेम मूवमेंट टू हैपन हियर। सो आई वुड से मे बी इतना मूवमेंट हो सकता है अगर इसे तोड़ता है तो। ऑब्वियसली दिस इज जस्ट स्पेक्यूलेशन, और मैंने खास तो इसलिए कहा बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू दैट यू कैन इंटरप्रेट द सेम चार्ट इन टू डिफरेंट वेज, एंड दैट्स हाउ ट्रेडिंग इज। अभी किसी को लगेगा कि क्या खुद इनडिसाइसिव व्यू दे रहा है, बट दैट्स नॉट द केस। आई एम जस्ट सेइंग कि क्या हो सकता है एंड बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंस टुमारो वी कैन रिएक्ट। अब आई डोंट फील इट्स ऑलवेज राइट टू सी से कि अरे मेरे हिसाब से कल मार्केट गिरेगा ही या ऊपर ही जाएगा, और फिर इवन इफ द मार्केट इज डिफाइंग योर व्यू यू स्टिल होल्ड ऑन टू इट। सो इस कारण से आई ऑलवेज ट्राई टू गिव पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। नेक्स्ट अप बैंक निफ्टी, हम लोग देख सकते हैं ये भी RSI 40 के ऊपर आया है, रेजिस्टेंस फ्रॉम 34,400-450 और सो, सेम लेवल जो हम लोग ने पहले भी बात की थी, एंड वी डिड डिस्कस इनफैक्ट इन yesterday's वीडियो दिस वन दैट मे बी दिस विल एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द बेयर्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सपोर्ट जो था उसका कल का कंसोलिडेशन जहां से हो रहा था वही लेवल से उसने सपोर्ट फाइंड किया है यहाँ पे, एंड मे बी वी माइट बी हेडेड फॉर 34,000 रीटेस्ट अगेन। ओवरऑल यहाँ पे मोमेंटम इन जनरल थोड़ा बिगड़ गया था दिन का, दैट्स वाई आई एम नॉट टू श्योर कि कल कैसा ओपन हो पाएगा बिकॉज इट डज नॉट रियली इंस्पायर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस येट, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। मे बी यू आर विल और आई विल शेयर अ रील क्या रील ही बोलते जा रहा हूँ मैं शॉर्ट्स लेटर इन द इवनिंग एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर दैट। सो बैंक निफ्टी को जैसा दिख रहा है अगेन सोल्ड ऑफ ड्यूरिंग द डे, हम लोग देख सकते हैं यहीं से प्रीटी मच 34,500 से ही। नेक्स्ट अप रिलायंस टॉप स्टॉक ऑफ द डे, दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी वन ऑफ द टॉप ड्रैगर्स फॉर द डे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 0.36% अप है तो ड्रैगर कैसे हो गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं देन वी कैन सी इट डिड वेरी वेल, इनफैक्ट बहुत अच्छे से वो पहले नीचे जा रहा था, फिर जैसे ही 12:30 बजे इट डिड वेरी वेल, इट रीटेस्टेड दैट 2560 लेवल और सो, पर उसके बाद फिर से नीचे आ गया। सो शुरुआत में भी उसने थोड़ा सा ड्रैग किया एंड देन आफ्टर दैट अराउंड 1:30-2:00 ऑल्सो इट स्टार्टेड ड्रैगिंग अ लिटिल, और उसी कारण से दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द ड्रैगर्स इन माई व्यू। अगर आपको निफ्टी स्पेसिफिक के ओवरऑल ड्रैगर्स और यू नो पुलर्स चाहिए देन यू कैन चेक दिस मनी कंट्रोल लिस्ट आउट हियर। HUL है, रिलायंस है, लार्सन टोब्रो है, SBI है, so you can check this list out in case you want the EOD figures, but intraday movements ke hisab se I think the two main culprits were Reliance and Infosys. So HDFC bank ko thoda sa pause pe rakh ke hum log Infosys pe aate hain, and we can see that the birds outside are also agreeing with me vehemently ki wo log bhi bol rahe hain ha ha hum log ne bhi dekha tha Infosys was one of the top draggers because it's down around 3% from the highs. Hum log dekh sakte hain this is the movement we saw, gap up open, काफी अच्छा खासा मूवमेंट दिया। इनफैक्ट ये पॉइंट पे मुझे आई वाज ट्रैकिंग इन्फोसिस, मुझे लगा कि अच्छा है, इट्स लुकिंग गुड, प्रीटी गुड, 20 पॉइंट्स जितना वो गेन किया था, बट देन इट गेव अप मोर देन 20 पॉइंट्स आफ्टर दैट, फॉलिंग बाय अराउंड 43 पॉइंट्स और सो। सो इन्फोसिस भी एक टॉप की ड्रैगर था। बात करते हैं HDFC बैंक की, एंड अगेन 5 मिनट चार्ट से आपको पता चल गया होगा दैट इट केम डाउन सिग्निफिकेंटली, एंड हियर वी कैन सी सेम हम लोग मोमेंटम कैच नहीं कर पा रहे। जनरली जब भी RSI 40 के आसपास आता है वी डू सी अ रियल टेस्ट, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता दैट बुल्स आर एबल टू गैदर द मोमेंटम दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस दैट लेवल। यहाँ पे भी हम लोग ने सेम चीज देखा था नवंबर में दैट RSI 40 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, एंड देन जब फाइनली गया था देन इट रियली डिड फेयरली वेल। सो आई थिंक सेम चीज यहाँ पे इट्स रियली वेटिंग फॉर सम यू नो सम पॉजिटिव ट्रिगर और एटलीस्ट सम इनिशिएटिव बाय अ स्ट्रॉन्ग बुल टू एक्चुअली एंटर एंड ब्रिंग प्राइसेस अप। एक बार मे बी वो हो जाता है, एक डिसाइसिव 1350-1360 के आसपास हम लोग एक क्लोज देखते हैं, मे बी देन वी डू सी HDFC बैंक ऑल्सो डूइंग वेल। TCS की बात अगर करते हैं 3450 से रिजेक्ट हुआ है, हियर वी कैन सी इट्स कम डाउन फ्रॉम दिस फिब एक्सटेंशन। फिब एक्सटेंशंस के बारे में अगर आपको जानना है यू गो टू एनी वीडियो ऑफ माइन, एनी रीसेंट वीडियो, और आप पहला लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते हो यू विल फाइंड आउट अबाउट फिब एक्सटेंशंस एंड आई डू रेकमेंड दैट। सो यहाँ पे फिब एक्सटेंशन का ही रेजिस्टेंस आया है एंड वी कैन सी दैट ये सेम जोन भी एक इम्पॉर्टेंट वाला रहा है
IT in general, we can, you know, gather that has not done well today. So that's another thing to consider. HDFC ki agar baat karte, again, higher level se reject hua hai, 20 to 18 ka high bana hai, and it ended up closing, you know, below 2200. In fact, jitna wo 2200 ke upar gaya, utna hi 2200 ke niche close kiya. 18 points up, almost 18 points down is what we can see here from the chart. Theek hai, let's see, overall HDFC bank se to better hi lag raha hai, but we never know what can happen. I still do feel ki, you know, jabhi bhi aise dip hota hai, when prices are still a little compressed in a way, it's probably a good time to, you know, enter into a partial, at least small quantity. ICICI bank higher level se reject hua hai. Same pattern we're seeing everywhere. Chahe aap Infosys le lo, TCS le lo, HDFC le lo, HDFC bank dekh lo. We're all seeing very similar patterns. Ki high upar bana hai, and then we're seeing a red body. And the same thing in ICICI bank as well. Yahan pe double top jaisa usne bana hai, and then broke down, signal confirmed being here. Kotak bank ki agar baat karte hain, then it's relatively better off. But still, yahan pe hum log Reliance jaisa pattern dekh rahe hain, where it's almost like a doji. This, in this case, it's a gravestone doji. RSI 60 ke upar hai, but it's not able to gather that momentum. Or maybe this is a market sentiment issue. Ki kyunki market sentiment hi thoda weak hai, and kyunki demand in general for equities might be a little dampened by the rate hike and such. Maybe uske wajah se hum log jo enthusiastic response dekhte hain typically, ek dip ke baad, maybe we are not seeing that, but I feel otherwise this looks fairly good. Next up, SBI. हम लोग देख रहे हैं कि कल का जैसा पॉजिटिव मूव था, वैसा ही उतना ही नेगेटिव मूव आज का है, एंड इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड, ऑलमोस्ट लाइक एन एंगल्फिंग पैटर्न. बट SBI पे टू बी फ्रैंक, हम लोग ने कभी भी उतना डिसाइसिव व्यू रखा नहीं है, बिकॉज इट्स रियली स्टक इन दैट रेंज, और इवन रेंज के अंदर भी उतने खास मूव्स नहीं दे रहा. वी जस्ट स्पोक अबाउट इट व्हेन इट हैड डिप्ड अ लॉट, फॉर एग्जांपल हियर अराउंड 440 के आसपास. एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं, इट्स मूविंग फेयरली वेल, एट लीस्ट व्हेन वी कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स. हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 640 का जोन था, वहां से अच्छा खासा बाउंस किया है, अप अराउंड 20 पॉइंट्स, व्हिच इज व्हाट, 3% और सो, या 3% और सो गेन कर पाया है. कहानी अभी बाकी है, बिकॉज हियर वी कैन सी सम रेजिस्टेंसेस कमिंग इन. सो लेट्स सी अगर वो रेजिस्टेंसेस होल्ड करते हैं, और वेदर एक्सिस बैंक इज एबल टू सॉर्ट ऑफ यू नो कैप्चर द मोमेंटम एंड राइड द टाइड एट लीस्ट अंटिल 700 और सो, देखा जाएगा. दिस रिट्रेसमेंट वी कैन नाउ मॉडिफाई फॉर इट टू सिट समवेयर अराउंड हियर. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. वेरी क्यूरियस टू हियर योर थॉट्स एज वेल. मिलते हैं कल के वीडियो में, एंड Hopefully in the shorts that will be published this evening as well. Take care, happy trading, happy analysis.